देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। दिल्ली के साथ देश के कई हिस्सों में कोरोना रिटर्न के हालात बन रहे हैं। तीन दिन से देश में हर दिन 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी 48,000 के करीब पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 8,084 नए मामले सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिव रेट भी 3% के पार पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे में जितने नए मरीज सामने आए हैं उनमें से करीब 70% अकेले महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में मिले हैं। जनवरी में आई तीसरी लहर के बाद एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक इस हफ्ते यानी 6 से 12 जून तक देश भर में 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 70 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इससे पहले के हफ्ते यानी 30 मई से 5 जून के बीच 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस हिसाब से एक हफ्ते में ही देश में मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। आपको बता दें कि देश में बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ते नए संक्रमितों को देखते हुए कोरोना की नई लहर की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने अभी इससे इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर कई राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना गाइडलाइन में सख्ती के साथ टेस्टिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। INS रिपोर्ट।